दुनिया के बाकी देशों के बारे में कहा जाता है कि इन देशों के पास इतनी बड़ी सेना है, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसके बारे में कहा जाता है कि पाकिस्तानी सेना के पास एक देश है जिसका नाम है पाकिस्तान। कुछ ऐसा प्रभाव है पाकिस्तान की सेना का वहां की राजनीति और समूचे तंत्र पर। लेकिन अब इसी सेना से एक बहुत बड़े घोटाले की खबर आ रही है। पाकिस्तानी सरकार द्वारा कराए गए ऑडिट में ये खुलासा हुआ है कि पाकिस्तानी सेना में एक दो नहीं बल्कि 2500 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। हम आपको बताते हैं कि पाकिस्तानी सेना का ये सबसे बड़ा घोटाला असल में कैसे शुरू हुआ और किन किन क्षेत्रों में पाकिस्तानी सेना में घोटाला हुआ है। ऑडिट रिपोर्ट के हिसाब से पाकिस्तानी सेना में 21 अरब रुपए का घोटाला हुआ है। पाकिस्तानी वायुसेना में 1.6 अरब रुपए का घोटाला हुआ है। पाकिस्तानी नौसेना में 1.6 अरब रुपए का घोटाला हुआ है। इसी तरह इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन में 6.6 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। सैन्य महालेखाकार में 203 मिलियन रुपए का गबन हुआ है। इसी तरह सैन्य भूमि और छावनियों में 2 अरब रुपए का घोटाला हुआ है। लेकिन पाकिस्तानी सेना में सबसे बड़ा घोटाला हुआ है 18 अरब रुपए का कैंटीन की गलत खरीद बिक्री में। टेंडर के नियमों की जमकर अनदेखी की गई और कैंटीन के टेंडर गलत तरीके से जारी किए गए। सिर्फ इस क्षेत्र में पाकिस्तानी सेना में 18 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। एक तरफ तो पाकिस्तान दुनिया के तमाम देशों के आगे मदद की भीख मांगता रहता है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना में 2500 करोड़ रुपए का घोटाला हो जाता है। इसे ही कहते हैं कंगाली में आटा गीला होना। टाइम्स नाउ नवभारत, डिजिटल की रिपोर्ट।